हेलो गाइस, तो कैसे हो? आज मैं आप लोग के लिए लिए एक और एटोनस का नया वीडियो लेके आ गया हूँ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज हम लोग आप लोग को बताने वाले कैसा आप लोग जैसे हाई पिक्सल में आपका स्काई में लिखा होता नाम या फिर डिजाइन कुछ भी आप लोग को देना हो, लिखना हो, तो आप लोग कैसे इजिली लिख सकते हैं, यानी कि एक मिनट का काम है वो आपका कम्प्लीट हो जाएगा। वैसे मैं आप लोग को बहुत कोई ट्यूबर दिखेगा बताया होगा इस सब के बारे में, तो मैं भी आज आप लोग के लेके आया। तो आप लोग सिंपली कुछ नहीं करना, मैं डिस्क्रिप्शन में दो लिंक होगा तो उससे सबसे पहले जाना आपके एक और पहला लिंक मिलेगा, उसके अंदर आपको जाना पहला जो ये होगा textstudio.com करके होगा आपका, इसी में आपका जाना है। और यहाँ पे आपको जाके सिंपली इधर आपको जो भी लिखना हो, जो आपका टैक्स पसंद है वो टैक्स आपको लिख देना है, जो लिखना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं अपना दे देता हूँ, जैसे कि इधर मैं लिख देता हूँ गेमिंग बॉय करके। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गेमिंग बॉय। तो अब चलते हैं इसको और क्या क्या कर सकते हैं ये आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा ये होगा, यहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा कैसा कैसा चाहिए माइनक्राफ्ट आपको, मतलब जो टैक्स चाहिए वैसा मिल जाएगा। कुछ कुछ अगर इसमें प्रीमियम है तो उसको शायद नहीं ले पाएंगे। तो इसमें बहुत सारे इसमें फ्री है, खासकर माइनक्राफ्ट का डिजाइन वाला आपको ये मिल जाता फ्री। तो मैं जैसे लेजेंड वाला लेके आपको दिखा रहा हूँ, माइनक्राफ्ट लेजेंड किस तरह से रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लेजेंड जो लिखा रहेगा इसके जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आपको ऊपर माइनक्राफ्ट का लोगो और आपका कुछ भी टाइटल वगैरह लिखना हो तो इसका काम आ जाएगा इसमें। तो इसमें जैसे मैं गेमिंग करके लिख देता हूँ गेमिंग बॉय, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिखेगा माइनक्राफ्ट गेमिंग बॉय, इस तरह से आपको दिखेगा। तो यहाँ पे तो मैंने ये सब कर दिया, तो मुझे ये तो नहीं पसंद है, लेकिन हम लोग वर्ल्ड बना रहे तो वर्ल्ड में ये अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसके लिए मैं यही लेता हूँ माइनक्राफ्ट वर्जन 2 वाला, तो इसी को लीजिएगा अगर माइनक्राफ्ट वाले आप डाल रहे हो तो टैक्स अगर, तो इसको आपको ले लेना है, आप लिख देना गेमिंग बॉय। और इधर मैं थोड़ा अगर इधर बैकग्राउंड ये सब आप कुछ अगर डालना हो, कस्टमाइज करना हो, तो इसमें बहुत सारे कस्टमाइज दिए हुए हैं। और यहाँ पे आप लोग को सिंपली इधर साइज वाइज बड़ा करना हो या फिर इसका ये करना हो, ये अंदर में जो गैप है इसको छोटा बड़ा कर सकता है आप सिंपली। फिर अगर आप लोग को कुछ ये डालना हो इमोजी टाइप, मतलब लोगो कुछ अगर साथ में डालना हो, जैसे कि मैं इधर देख सकते बहुत सारे यहाँ पे लोगो, पोकेमोन, फ्लावर, यूट्यूब, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब वाला डाल के आप लोग को दिखा देता हूँ। जैसे मैं डाल दी यूट्यूब, तो यहाँ पे छोटा जैसा हो गया, लेकिन इसको आप लोग साइज में भी इसको कर सकते हैं, तो साइज में थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं और इसको टेक्स्ट के साथ ले आते हैं, इसको थोड़ा टैक्स के बराबर ले आते, मतलब टैक्स आगे पीछे ऊपर आप लोग को दिख रहा होगा अभी, तो इसको इससे आप लोग का साइड होगा थोड़ा, और इसके नीचे वाला तो आप लोग का ये हो जाएगा, ऊपर नीचे आपका हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का सेंटर में हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया। और हम लोग जाते बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आप लोग को ये रखना है, कुछ भी नहीं रखना है, अगर आप लोग का मन करे तो रख सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं रखूंगा। तो ये हो जाने के बाद आप लोग सिंपली इधर चला जाएगा डाउनलोड में, डाउनलोड में हाई के लिए आपको ये चाहिए होगा, प्रीमियम भी चाहिए, प्रीमियम में जाके आप लोग को इसको डाउनलोड करना है, पीएनजी में डाउनलोड करना है, ये याद रखे पीएनजी में डाउनलोड कीजिएगा। तो पीएनजी में डाउनलोड नहीं करेंगे तो आपका क्वालिटी बहुत घटिया आ जाएगा। तो चलते यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं पीएनजी में, तो यहाँ पे हो गया डाउनलोड। तो ये डाउनलोड हो जाने के बाद आप लोग सिंपली एक बार चला जाना अपना गैलरी या फिर कैलिबरी, जैसे आप लोग का जहाँ पे सेव हुआ है फोल्डर या एडिट जहाँ से कर सकते हैं आप, वहाँ पे जाके आपको इसको सिंपली कर देना मिरर में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे जैसे मेरा एडिट वाला ऑप्शन है, एडिट के लिए एडिट के जाने के बाद यहाँ पे मेरा क्रॉप के अंदर ये है मिरर का ऑप्शन है, तो यहीं पर मैं जाता हूँ क्रॉप में और ये रहा मेरा मिरर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये हो गया मैं मिडल में, यानी कि इसका उल्टा
देखिएगा तो आप लोग उसमें लिस्ट को सेव कर लेना, और जो मैंने सेकंड लिंक दिया आपको उसमें चला जाना। इसके बाद उसमें जाने के बाद आपको जो फोटो आपने एडिट किया था अभी उसे इसको अपलोड कर देना है इसमें। तो यहाँ से मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा अपलोड हो गया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ आपका इस टाइप से है। यहाँ पे आप लोग ऑल आप कैसा ब्लॉक में चाहिए होता सारा ब्लॉक रहेगा, मतलब सारा ब्लॉक रहेगा क्रिएटिव में, मतलब और सर्वाइवल में जो सर्वाइवल ब्लॉक मिलता है वो सब रहेगा। और आप लोग का मेन चीज़ यहाँ पे करना है 35 या फिर उससे कम ही रखना है। आप 35 से कम ही रखेगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप लोग को, मतलब 35 से अगर ज़्यादा आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ बन जाएगी आपका। तो 35 पे आप लोग का मैक्सिमम बेस्ट रहेगा। तो उतना करने बाद आप लोग को सिंपली यहाँ पे दिखा देगा किस टाइप से आपका बनेगा, कुछ इस टाइप से ये बनेगा। तो देख सकते हैं इस टाइप से बन जाएगा आपका। ठीक है, ठीक ठाक ही है, उतना ही बुरा नहीं बोल सकता। तो इधर से आ जाता है सेव एज में, सेव कर देना आपको इसको। अगर नाम चेंज करो तो नाम चेंज वहां से कर सकते हैं, नाम चेंज कर दे तो आपको बेटर रहेगा। मैंने नाम नहीं चेंज किया, बाद में मैं इधर आके चेंज कर दूंगा एडिट करके फाइल को। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इधर मैं चला जाता हूँ डाउनलोड में। और एक और काम करना, अगर आप लोग का फोन डिवाइस फोन में आप लोग कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोग ये करना होगा रीनेम करके, आपको ये टेक्स्ट जो लिखा है लास्ट इसको आप लोग काट देना है, सिस्टम एलिमेंट इसको रखना है आपको। तो उतना करने के बाद आप लोग को इधर मैं नाम को चेंज कर देता हूँ ना, वो हो जाएगा क्योंकि ये जो नाम रहेगा वही पर आप लोग को सर्च करके आपका ये आएगा सर्वर के अंदर बिल्ड हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ गेम बॉय वाईटी करके रख दिया मैंने। तो इससे पहले आप लोग को ये चला जाना अपना सर्वर के अंदर यानी कि एटोलस के अंदर। तो इधर से आना इधर एटोलस में हम लोग को जाते हैं चलते। तो वहाँ पे जाने के बाद आप लोग सिंपली लॉगिन कर लेना एटोलस वगैरह। आप लोग पहली बार यहाँ पे आए तो लॉगिन सब करना होगा, तो लॉगिन कर लीजिएगा और अपना वर्ल्ड एक बना लीजिएगा। और मैंने ये बनाया हुआ है वर्ल्ड और ये वही है मेरा पीसी वाला यानी कि जावा प्लस पॉकेट का वर्ल्ड है। तो यहाँ पे हम आप लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ ये करना होगा आप लोग को गेट करना होगा वर्ल्ड, लेकिन मेरा तो अभी वर्ल्ड का ही स्पेस नहीं है तो मैं आप लोग को एक डिलीट करके वर्ल्ड बना के देखा देता हूँ जिसके टेस्ट वर्ल्ड में डिलीट कर दिया और एक और वर्ल्ड आप लोग को बना देता हूँ। यहाँ पे जाके आप लोग को जावा प्लस पे सिलेक्ट करना, जावा प्लस एडिशन ये पहले से डिफॉल्ट में सेट रहता है, आप लोग को यही वर्ल्ड बनाना है। यहाँ पे जाने के बाद आप लोग सिंपली जाना है सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर में जाने के बाद आप लोग पेपर पैकेट में जाना है, पेपर पैकेट में लेटेस्ट वर्जन को आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने के बाद आप लोग सिंपली इधर इंस्टॉल करना है, प्लगइन्स के अंदर टी डॉट में जाएंगे तो आप लोग इधर प्लगइन्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो देख सकते हो प्लगइन्स का ऑप्शन है, तो आप लोग यहाँ से जाने के बाद इधर आपको ये जो वर्ल्ड एडिट बकेट आपको दिख रहा होगा तो आपको सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। और इसके अंदर वीगा वर्जन वीगा बैकवर्ड इजर आप लोग ये सब डाउनलोड कर लेना, जिससे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ दिखा देता आप लोग को, जैसे मैंने ये सब डाउनलोड कर रहा हूँ वीगा वर्जन वीगा रिवॉर्ड वीगा रिवॉर्ड इसके अंदर फ्री मिल जाता है अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो वीगा रिवॉर्ड ज़्यादा रिवॉर्ड मिल जाएगा दूसरा सर्वर बना रहे तो वीगा रिवॉर्ड उतना नहीं तो खास कर इसमें अच्छा इसलिए डाउनलोड हो जाते हैं साथ में। तो यहाँ पे वीगा सारा डाउनलोड हो गया, आप एम सी गीजर डाउनलोड कर लेते हैं गीजर एम सी गीजर एम सी ये हो गया डाउनलोड। तो सिंपली आप लोग इधर वर्ल्ड को कर देना है स्टार्ट। तो ये हम पे ऑथराइज मांग रहा है दे देना इसको, तो इसको वेट करता हूँ वर्ल्ड को स्टार्ट होने के लिए। अगर आप पहली बार आए मेरे चैनल को तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे से और भी वीडियो चलाते रहेंगे मैं।
और वेट कर रहा हूँ सर्वर को स्टार्ट होने में। तो यहाँ पर मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया, थोड़ा मेरा जो पासवर्ड कट कर दिया मैंने, तो यहाँ पे आईपी मैंने कॉपी कर लेता एड्रेस और आईपी। नहीं पहले आपको आईपी सबमिट करना, पहले आपको सर्वर को एक बार स्टॉप कर करना है, और स्टॉप करने के बाद आप लोग को बताना एक और चीज़ आप लोग को करना है। तो पहले आप लोग को सर्वर स्टॉप हो जाने के बाद आप लोग को फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद आप लोग को ये करना है, ये जो आपको नीचे प्लगइन का ऑप्शन दिखेगा तो वहाँ पे आप लोग क्लिक कर देना है सिंपली प्लगइन वाला में, ये दिख रहा होगा प्लगइन। तो इधर थोड़ा नीचे जाएगा आप लोग को ये दिखेगा वर्ल्ड एडिट करके एक फोल्डर दिखेगा, तो उसके अंदर आपको घुस जाना है, और लास्ट में आपको लास्ट का इसमें दिखेगा आपको ऑटोमेटिक करके, आप लोग को सिंपली यहाँ पे वो फोल्डर को जो आपने सेव किया था उसको आपको इधर जाके अपलोड कर देना है इसके अंदर। तो ये मेरा रहा गेम बस ऑटोमेटिक, तो इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, और उसके बाद आप लोग को सर्वर को सिंपली स्टार्ट कर देना है। ये मूड खराब पैड सब मेरे, तो वेट करते हैं या फिर मैं कट करता हूँ वीडियो को कि ये वो ज्यादा लेट लगता है स्टार्ट होने में सर्वर को। तो यहाँ पे फाइनली सर्वर स्टार्ट हो गया हमारा, एक या दो मिनट तक वेट के। तो आप कॉपी कर लेना आप लोग को आईपी और पोर्ट को, ये कॉपी करने के बाद आप लोग को चले जाना इधर अपने सर्वर या माइनक्राफ्ट के अंदर जो भी आप लोग खेलते जाओ, पॉकेट या जो भी, मैं खेलता पॉकेट में तो पॉकेट में निकाल देगा। तो आप लोग जाने इधर सर्वर के सिस्टम में, सर्वर में जाके आप लोग को ऐड सर्वर करना है या फिर पहले से होगा तो फिर में कर देना है। तो मैं यहाँ पे ऐड सर्वर करके इसको बना देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एड्रेस और पोर्ट को, क्योंकि पोर्ट नीचे पेस्ट नहीं कर सकते तो देख के हमको लिखना हो क्या है। तो यहाँ पे इस पोर्ट को काट देते हैं और लिख देते 39879। तो इसको लिखना दी इस तरफ का पोर्ट को काट देते हैं, और सर्वर का नेम कुछ भी रख देते हैं, टेस्ट लिख देता मैं, टेस्ट लिखना चलते हैं सर्वर को ज्वाइन करता। तो यहाँ पे सर्वर 20, तो चलते हैं ज्वाइन होने के बाद मिलते हैं आप लोग से। यहाँ पे लोडिंग सर्वर हम लोग का होने लगा, तो अब ज्यादा देर नहीं रहेगा ज्वाइन होने में। आप लोग का जैसा नेटवर्क रहेगा उसी हिसाब से ज्वाइन हो जाए, तो हमारा ये नेटवर्क इस चल रहा है इसलिए देर लग रहा है। तो यहाँ पे मेरा फाइनली वर्ल्ड खुल गया, बहुत देर के बाद खुला। तो आप लोग को सिंपली आप लोगों के मोड को अपना ये कर लेना, मतलब अपने आप को ऑपरेटर दे के आप लोग थोड़ा गेम खोलना होगा आप लोग को। तो पहले मैं अपने आप को ऑपरेटर दे देता हूँ, तो आप लोग कमांड नहीं पता तो सिंपली आप लोग लिखना है स्लैश ओपी और ऑपरेटर ऐसे नहीं तो डॉट डाल के, तो आपका आई में आपका ये है गेम टैग, तो वो लिख देना आप लोग सिंपली। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ स्लैश ओपी डॉट के जिक्र, तो देखते मेरा आज का इधर इंडिकेशन के मैं ऑपरेटर बन चुका हूँ। तो अपने इधर गेम मोड को क्रिएटिव कर देता हूँ, गेम मोड क्रिएटिव, तो अब गेम मोड क्रिएटिव हो चुके, तो थोड़ा हम लोग ऊपर चले जाते हैं और इतना ऊपर ठीक ठाक हुआ सब ठीक है। तो चलते यहाँ पे हम लोग बना देते हैं इस वर्ल्ड को, मतलब अपना वो डालते हैं। तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे लिखना है स्लैश लिस्ट, आप लोग को लिख देना पहले लिस्ट, लिस्ट दे के इंटर कर देना। तो आप देख सकते हैं हम लोग का एक सिनेमैटिक है गेमिंग बॉय डॉट सिनेमैटिक। तो आप लोग सिंपली यहाँ पे ये करना है
एक बार और लिख देना सिनेमैटिक। सिनेमैटिक तो एक बार इसको कॉपी कर लेना आप लोग को, आप लोग यहाँ पर लोड करके, तो आप लोग ये डाउन में सिनेमैटिक लोड LOAD लिख के, इसके आप लोग को जो आप लोग का था सिनेमैटिक वो लिख दें, जिसमें था गेमिंग बॉय, तो थोड़ा स्पेस भाई बॉय डॉट सिनेमैटिक YT डॉट सिनेमैटिक। आप लोग को ये लिखने बाद अगर आप लोग को थोड़ा ये कंफ्यूजन हुआ कि अगर ये सही करनी, तो आप इसको इधर इसको ये कर देना स्लैश को काट कर, आप लोग देख लीजिएगा क्या कुछ गलत है, तो देख सकते हैं इधर सिनेमैटिक लोड डॉट YT सिनेमैटिक सब कुछ सही है, तो वापस स्लैश दे के इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे इंटर करने के बाद यहाँ पे आप लोग का आएगा डबल स्लैश पेस्ट, आप लोग को ये लिख देना। तो ये लिख देने के बाद आप लोग का वर्ल्ड इधर ये हो रहा, तो हमारा ये लगभग कंप्यूटर का पेस्ट हो गया। तो थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है, तो आप लोग छोटे वेट भी कर सकते हैं, अच्छा है तो वेट नहीं करना चाहते तो ये कर सकते हैं आप लोग के इधर से जाएगा इस तरफ से, तो ये देख सकते हैं तो हम लोग का थोड़ा इधर लोड ले लिया। तो आप लोग का अगर जल्दी से लोड लेना तो आप लोग ये चला जाना पीछे की ओर चला जाना, तो कुछ ब्लॉक नीचे गिर गया, ये होगा ग्रेवल या फिर कुछ हो गया तो इसीलिए गिर गया हो गया। कोई बात नहीं, ये हम लोग का लोड ले रहा है धीरे धीरे, अगर आप लोग को फास्ट लोड लेना है तो आपको थोड़ा ये दूर चला जाना है इससे, इतनी में नहीं हुआ तो हम लोग को थोड़ा और दूर जाना होगा, तो चलते एक बार वापस देखते दूर जाके देखते हैं। तो इतना दूर हम लोग के लिए काफी होगा, इतना दूर काफी, तो चलते हैं वापस हम लोग। तो ये आ गया हमारा प्यारा सा गेमिंग बॉय, तो देखते हम लोग का वर्ल्ड में लिखा हुआ आ चुका है गेमिंग बॉय करके। इसी तरह से आप लोग को अपना कोई भी अगर हाई पिक्सल सर्वर या फिर कोई और सर्वर बना रहे तो आप लोग ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं। और अगर आप लोग को ऐसा पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथ में। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहिए गेम बुक चैनल, और ऐसे ऐसे और नए वीडियो आते रहेंगे, देखते रहिएगा, तब से मिलते, बाय बाय।